हवे लई जा प्रभुतारा धाम मा, हवे लई जा प्रभुतारा धाम मा। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। आपकी बैटरी डाउन हो गई, चार्ज करो के कर ली। बैटरी चार्ज हुई नहीं हुई? नहीं हुई, चलो अभी देखती हूँ। बोलिए भूगर्भ से प्रकटी श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की। तो बहुत अच्छी चार्ज हो गई, अरे एक सेकंड में चार्ज हो गई, बहुत अच्छी बैटरी है। यहाँ तो भाव बने और बैटरी चार्ज, भाव बिगड़े और बैटरी डाउन। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोले विश्ववाणी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मती सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोले आर्य कृतेक्ष व स्वस्ति भूषण माता जी की, आर्य का संघ की। धर्म स्नेही बंधु हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर परिणाम निर्मल होते हैं, परिणाम सरल होते हैं, कषायें कम होती हैं। कषायों के और मिथ्यात्व के उपशमन से ही, क्षय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इनके उपशम क्षय क्षयोपशम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब आप कहोगे ये अनंतानुबंधी कहाँ से आ गया, ये नया नाम कहाँ से आ गया, लग रहा होगा ना, सुना है पहले, किसी ने सुना होगा किसी ने नहीं सुना होगा। जो अनंत भव तक भटकाए उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। आप लोगों की लड़ाई झगड़े होते कि नहीं होते, बोलो ना। मैं ये नहीं कहती कि आप करते हो, करना और होना दोनों में अंतर है। जब किसी चीज के संस्कार बन जाते हैं, किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो करना नहीं पड़ता, होता है, बोलो ना। हाँ, और यदि कोई नया काम हो तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे गाड़ी है, शुरू शुरू में जब चलाते हैं तो एक एक चीज पे ध्यान रहता है, अब ब्रेक लगाना है, अब स्टीयरिंग को यहाँ घुमाना है, अब सामने भी देखना है, अब ये भी करना, एक एक चीज पे ध्यान रहता, मन नहीं भटकता बिल्कुल, बिल्कुल सीधी गाड़ी बिल्कुल देख देख के सावधानी से चलानी पड़ती है। और वही जब 6 महीने तक चला ले लगातार, फिर क्या होता है, फिर चलाना नहीं पड़ता, चलती है, दिमाग अपना काम करता है सोचने का और गाड़ी अपने आप चलती जाती है। तो ऐसे ही क्रोध करना पड़ता है कि क्रोध होता है। बोलिए उत्तर दीजिए मुझे, क्रोध होता है या करना पड़ता है? होता है। अभिषेक होता है या अभिषेक करना पड़ता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसके संस्कार ना हो उसे करना पड़ता है, और जिसके रोज के संस्कार हैं उसका होता है। तो क्रोध होता है, करना नहीं पड़ता। इसके संस्कार कब से हैं? अनादिकाल से। अनादिकाल के संस्कार हैं। त्रयंच गति में थे वहां भी क्रोध किया, नरक में थे वहां भी क्रोध किया, देव गति में थे वहां भी क्रोध किया, और मनुष्य पर्याय में है, बोलो ना। अरे करते हो तो बोलो ना, डरते क्यों हो फिर? जब करते हो तो डरते क्यों हो? बोलो करते हैं, जोर से बोलो करते हैं, अच्छे से करते हैं, बोलो ना, अच्छे से करते हैं, पूरी शक्ति के साथ करते हैं, पूरी मेहनत के साथ करते हैं, पूरे भावों के साथ करते हैं, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काया से करते हैं। अरे बोलो ना,
इतने जितने मन से आप क्रोध करते हो, इतने मन से यदि धर्म कर लो तो कल्याण हो जाए। कितना दिमाग खर्च करते क्रोध करने के लिए। मान लो जिसके ऊपर क्रोध करना है और वो घर में ना हो तो पूरी प्लानिंग चलती है। अरे बोलो ना, हाँ वो आएगा तो ऐसी कहना है, ऐसी कहना है, ऐसी कहना है, पूरी तैयारी, समारंभ। क्या हो रहा है? समारंभ, तैयारी चल रही है, समारंभ। और जैसे ही वो आया तो आरंभ, समारंभ किया, समारंभ किया और आरंभ कर दिया। यदि मारने मारने का मामला हो तो डंडा वंडा भी तैयार कर लेता है। हाँ, घर में हथियार बहुत लोग रखते हैं और बाई चांस वो हथियार गुस्सा आ रहा हो सकता उठ भी जाए, इसलिए हथियार घर में नहीं रखना चाहिए। तो समारंभ किया, समारंभ किया, मन से किया, वचन से किया, काया से किया, कृत से किया, कृत किया, कारित खुद ने किया, सामने वाले को कराया, कारित और अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, तूने बहुत बढ़िया गुस्सा किया, ये खुद के लिए अच्छा बोला, अच्छी सुनाई, अनुमोदना, खुद ने क्रोध कर लिया और खुद ने अनुमोदना कर ली। ऐसा करते कि नहीं करते? तो आपने जो क्रोध किया वो समारंभ, समारंभ में आरंभ, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, तीनों से किया है ना। कितने हो गए? तीन में तीन का गुणा करो तो कितने हुए? नौ। नौ में तीन का गुणा करो तो कितने हुए? सत्ताईस। और क्रोध किया, मान किया, मायाचर्य के लिए लोभ किया तो चार में सत्ताईस का गुणा करो तो कितने हुए? 108। अब पाप का आश्रव कितने प्रकार से किया? 108 प्रकार से। यानी हमने पाप बुलाने के 108 दरवाजे हमने खुद ही खोल दिए। माला में 108 दाने होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 108 प्रकार से कषाय करते हैं, 108 प्रकार से पाप करते हैं, इसलिए माला में मोती के दाने 108 होते हैं। कि कम से कम तुमने दिन में 108 प्रकार से पाप किया है और कम से कम एक माला भगवान की, जितने मन से क्रोध किया है, जितने मन से मान मायाचारी लोभ किया है, जितने मन से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह किया है, उतने ही मन से यदि आप एक माला भगवान की फेर लें तो पाप कट जाए। लेकिन क्रोध मान माया लोभ तो मन से करते हैं, मगर माला मन से नहीं फेरते हैं, इसलिए पाप नहीं कटता है। प्रतिक्रमण करना चाहिए, प्रतिदिन श्रावक को प्रतिक्रमण आवश्यक है। ये मत सोचो कि केवल साधु संतों के लिए प्रतिक्रमण होता है, श्रावक के लिए अत्यंत जरूरी है। साधु के लिए तो जरूरी है ही, वो तो दिन भर धर्म कर रहा है, बीच में कहीं छोटी मोटी गलती हो गई उसके लिए प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तुम तो सारे दिन गलतियां करते हैं, तुम्हारे लिए तो और ज्यादा जरूरी है। अभी कोई भाई आए थे, बोले माताजी मेरा शनि खराब चल रहा है। मैंने कहा भाई भगवान का नाम ले, भगवान का अभिषेक कर, प्रतिक्रमण कर। बोले हाँ हाँ हाँ, वो ज्योतिषी ने ना मुझे प्रतिक्रमण बताया है। कौन? किसने? ज्योतिषी ने। बोले मैं रोज करूंगा प्रति, ज्योतिषी ने भी कह दिया और आपने भी कह दिया, मैं रोज करूंगा प्रतिक्रमण। आप प्रतिक्रमण वो करने लगा। क्यों किया उसने प्रतिक्रमण? ज्योतिषी ने क्यों बताया? ग्रहों को मानते हो नहीं मानते हो? बोलो ना, मानते कि नहीं मानते? ज्योतिष को मानते कि नहीं मानते? कुछ डाउट हो रहा है। हमारी अम्मा जी गर्दन हिला रही है, हम ज्योतिष को नहीं मानते। भगवान की वाणी में क्या क्या आया है पता है आपको? ज्ञान किया आपने? नहीं किया। भगवान की वाणी में अध्यात्म, सिद्धांत, आगम, व्यवहार, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, भूगोल, खगोल, सब भगवान की वाणी है। और यदि आपने ये कह दिया कि हम ज्योतिष को नहीं मानते तो समझना कि आपने भगवान की वाणी को कह दिया कि हम नहीं मानते। मैं ये नहीं कह रही कि आज के ज्योतिषी सही है, ज्योतिष सही है, ज्योतिषी सही हो ना हो ये बात अलग है। ज्योतिषी को लेकर ज्योतिष को झूठा मत बता देना।
ज्योतिष झूठा नहीं है, ज्योतिषी हो सकता है, क्योंकि उसे भगवान की वाणी समझना नहीं आया है। अभी आपसे कह दूं कि कर्मकांड की ये बात बताइए, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो और बाकी ना पढ़ा हो तो आधा अधूरा बताएंगे। अब आधा अधूरा बताएंगे तो बात गलत हो जाएगी। तो ये थोड़ी कहेंगे कि सिद्धांत गलत हो गया, ये थोड़ी कहेंगे कर्मकांड झूठा हो गया। अरे तुमने गलत बताया है तो तुम गलत हो सकते हो, सिद्धांत झूठा नहीं हो सकता है। तो ज्योतिष भी भगवान की वाणी है। तिलोय पंक्ति में आप पढ़िए, जो आज के ज्योतिषी हैं या जो वर्णन है वो नौ ग्रहों का वर्णन करता है। कितने ग्रहों का वर्णन करता है? नौ ग्रहों का। तिलोय पर्णति में यति वृषभ आचार्य ने 88 ग्रहों का वर्णन किया है कि ग्रह 88 होते हैं। कितने होते हैं? 88। अभी भी देखो जो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, अखबार में आता होगा एक नया ग्रह मिल गया, एक नया ग्रह मिल गया। ये कहां से मिल रहे हैं? जब तक 88 पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक ये मिलते रहेंगे, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है कि ग्रह 88 होते हैं तो 88 होते हैं, ये गारंटी है। 88 ग्रह कितने? और इन्हीं 88 ग्रहों में एक शनि ग्रह भी है। कौन है बोलो ना? शनि ग्रह है। तिलोय पंडित में स्पष्ट लिखा है इसकी चाल बहुत धीमी है, बड़ी धीमी चाल है शनि की। चलता है फिर लौट के आता है, फिर थोड़ा चलेगा फिर वापस आएगा, फिर थोड़ा चलेगा फिर, ऐसी चाल है शनि की। स्पष्ट तिलोय पंडित में लिखा हो, मैंने पूरा एक एक छानबीन पूरे शास्त्रों की करी है। इसी तरह से एक ग्रंथ है भद्रवाहु संहिता, आपने नाम सुना हो तो, भद्रवाहु संहिता भद्रवाहु आचार्य के द्वारा, उसमें भी पूरा ज्योतिष का वर्णन है। स्वप्नों का फल है, आपने आज ये स्वप्न देखा है इसका फल आपको कितने दिन बाद मिलेगा, आपने किस तिथि में देखा है, कितने बजे देखा है, इसका फल इतने दिन बाद मिलेगा, इसका मिलेगा इसका नहीं मिलेगा, सारा वर्णन है। आप तो केवल रोटी पानी में लगे रहते हो, केवल धंधे में लगे, नोट कमाने में लगे रहते, आपने तो देखा ही नहीं झांक के कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। आप तो इसी में लगे रहते किस तरह से सज लूं, किस तरह से संवर लूं, कौन सी साड़ी पहन लूं, कौन सी मैचिंग कर लूं, कौन सी ब्यूटी पार्लर में चली जाऊं, कहां पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लूं, कहां पर। आप तो केवल आपको यही पता है कि आपका ब्यूटी पार्लर कहां है, आपकी साड़ियों की दुकान कहां है, आपको कौन सी दुकान से ज्वेलरी खरीदनी है, आपको केवल इतना ही पता है। आप शास्त्रों के विषय में बिल्कुल नहीं जानते और ना जानने की आपकी इच्छा पैदा होती है। ज्ञानावरणी कर्म का इतना ज्यादा चल रहा है उदय कि जानने की इच्छा भी पैदा नहीं होती है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही। जो ज्ञानाभ्यास करता है उसके ये बाहर की सजने संवरने की इच्छाएं होती ना वो खत्म हो जाती हैं। जिसने ज्ञानाभ्यास नहीं किया है उसे ही ये सजने संवरने की इच्छाएं पैदा होती हैं। पढ़ो आप शास्त्रों को, अपने आप ही भाव खत्म हो जाएंगे। जब सच्चाई नजर आएगी तो भाव अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो सारा वर्णन शास्त्रों में आया है और शनि का नाम तो आप सबने अच्छे से सुना है। बोलो ना, हाँ सुना है कि नहीं सुना है? आप ज्योतिष नहीं समझ सक रहे हैं मगर ये अपने मुंह से कभी मत बोलना कि ज्योतिष झूठा है, हम नहीं मानते। यदि नहीं मानते आप भगवान महावीर को नहीं मानते, यदि उनकी वाणी को नहीं मानते हैं, जिन वाणी को नहीं मानते हैं तो भगवान महावीर को भी नहीं मानते हैं। मैं ये नहीं कह रही आज के ज्योतिषी 60% 70% से ज़्यादा सही नहीं बताते हैं, वो भगवान नहीं है। केवल ज्ञानी 100% सही बोल सकते हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई 100% सही नहीं बोल सकता है। तो 60% 70% भी यदि सही चल रहा है तो सोचना मामला अभी ठीक चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है, अभी एकदम गलत नहीं हुआ है। तो शनि का काम क्या है? ये जज है। ये क्या है? ग्रहों में ये जज का काम करता है। किसका काम करता है? जज का। सजा देना इसका काम है। क्या काम है इसका? सजा देना इसका काम है। इसने गलत किया है, समय आने पे मौके पे इसे सजा मिलेगी। ये शनि का काम है। अब यदि आप प्रतिक्रमण कर लें, प्रायश्चित कर लें, पश्चाताप कर लें, उपवास व्रत कर लें तो आपका शनि बिना कुछ किए अपने आप शांत हो जाएगा।
प्रतिक्रमण रोज सब श्रावक को करना चाहिए। हे भगवान, दिन भर में जितनी गलती हुई है, मैंने क्रोध मान माया लोभ किया हो, कुछ भी गलती हुई है, हे भगवान क्षमा करें। उसमें स्पष्ट लिखा होता है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, जीवों का घात किया हो, परघात किया हो, उपघात किया हो, मेरे द्वारा भूल से हुआ हो, जानबूझ के हुआ हो, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। क्षमा मांगने से अपराध आधा हो जाता है और आगे करने की भावना कम हो जाती है। इसलिए प्रतिक्रमण, ये मत सोचना कि साधु जो प्रतिक्रमण करते हैं वो शनि को शांत करने के लिए करते हैं, ऐसा मत सोचना। हमें ग्रहों से कोई चक्कर नहीं है, हमारा तो काम, शनि किसको परेशान करेगा, जिसके पास पैसा होगा, बोलो ना, जिसके पास पैसा होगा शनि उसको परेशान करेगा, हमने पहले ही छोड़ दिया, अब हमें क्या परेशान करेगा। हमें शनि लग जाए बहुत अच्छी बात है, हमें शनि लग जाए और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि शनि का काम है संसार से हटा के वैराग्य दिलाना। हाँ, शनि का काम है वैराग्य पैदा करना, शनि का काम है पूजा में मन लगाना, शनि का काम है भक्ति में मन लगाना, शनि का काम है इंसान को धार्मिक बनाना।